Hey guys, प्रियांशु दिस साइड एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे किसी भी हार्ड डिस्क पार्टीशन को डिलीट एंड मर्ज कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। गाइस, काफी बार क्या होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर काफी सारे हार्ड डिस्क पार्टीशन बने हुए होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पार्टीशन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते और हम उन्हें डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उनको कैसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद उस पार्टीशन का जो वॉल्यूम है उसे अपनी मेन मेमोरी में कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं कि आप किसी भी हार्ड डिस्क पार्टीशन को डिलीट कैसे कर सकते हो एंड उस हार्ड डिस्क पार्टीशन के वॉल्यूम को कैसे मेन मेमोरी में एक्सटेंड कर सकते हो। गाइस, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दो टर्म को इंट्रोड्यूस करा था, डिलीट एंड मर्ज, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन दोनों टर्म का मतलब समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर जो मेथड मैं यूज करने वाला हूं वो बिल्कुल एक जेन्युइन मेथड होने वाला है। सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं एंड सिखाने वाला हूं। सो गाइस, यहां पर फर्क नहीं पड़ता कि आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो, 8 यूज कर रहे हो, 10 यूज कर रहे हो या फिर 11 ही क्यों नहीं यूज कर रहे हो। आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी विंडोज के अंदर किसी भी हार्ड डिस्क पार्टीशन को डिलीट कर सकते हो एंड उसके वॉल्यूम को मर्ज कर सकते हो अपने मेन पार्टीशन के अंदर। सो गाइस, आप भी रेडी हो जाओ ये सीखने के लिए कि किसी भी हार्ड डिस्क पार्टीशन को कैसे डिलीट करते हैं एंड मर्ज करते हैं। सर, हार्ड डिस्क पार्टीशन को डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस लोकेशन पर चलना है जहां पर आपके सारे पार्टीशन बने हुए हैं, यानी कि आपको अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद आपको दिस पीसी के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर आपके जितने भी पार्टीशंस बने हुए होंगे आपकी मेन मेमोरी से वो यहाँ पर आपको शो जाएंगे। आप मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टीशन बना हुआ है, वीडियो एंड ऑडियो सॉन्ग्स। हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर 4 या 5 पार्टीशन बने हुए हों और आप एक पर्टिकुलर पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हो। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको उस पार्टीशन को क्लीन कर देना है जिस भी पार्टीशन को आप डिलीट करना चाहते हो अपने सिस्टम से, यानी कि अगर आपका उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आपको उस डेटा को एक दूसरे पार्टीशन में शिफ्ट कर देना है। सो गाइस, यहाँ पर मैं इस पार्टीशन से जल्दी से अपने डेटा को ट्रांसफर कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इस पार्टीशन को कैसे डिलीट कर सकते हो। सर, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने अपने इस पार्टीशन का सारा डेटा अपने मेन पार्टीशन के अंदर ट्रांसफर कर दिया है एंड आप यहाँ पर अब इस पार्टीशन का साइज भी देख सकते हैं। जब मैं इस पार्टीशन को यहाँ से डिलीट करूंगा तो इसका जो साइज होगा वो इस पार्टीशन के अंदर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो बेसिकली यार, ये जो है ये मेरा मेन पार्टीशन है एंड ये वाला जो पार्टीशन है, ये वाला पार्टीशन मैंने इस पार्टीशन से क्रिएट कर रखा है। तो मैं यहाँ पर इस वाले पार्टीशन को डिलीट करना चाहता हूँ अपने सिस्टम के अंदर। तो इस पार्टीशन को डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सर्च बार में आना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है क्रिएट एंड फॉर्मेट। आपको बस इतना टाइप करना है, आपके सामने लेफ्ट साइड मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस। उसके बाद आपको इस ऑप्शन को यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी डिस्क मैनेजमेंट की, आपको उसे मैक्सिमाइज कर लेना है। मैक्सिमाइज करने के बाद अब यहाँ से आपको अपना वो पार्टीशन सेलेक्ट करना है जिस भी पार्टीशन को आप डिलीट करना चाहते हो। तो मेरे केस में वो पार्टीशन था वीडियो एंड ऑडियो सॉन्ग्स। आपको यहाँ पर अपने उस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको माउस को राइट क्लिक करना है। माउस को राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिलीट वॉल्यूम का एक बटन मिलेगा इस मेन्यू के अंदर, आपको इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ही आपको कुछ वार्निंग देगा, डिलीटिंग दिस वॉल्यूम विल इरेज ओल्ड डेटा ऑन इट, बैकअप एनी डेटा यू वांट टू कीप बिफोर डिलीटिंग, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो बेसिकली यार, हमने अभी थोड़ी देर पहले अपना डेटा जो था वो मेन पार्टीशन के अंदर बैकअप कर लिया था, यानी कि ट्रांसफर कर लिया था, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको यस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे यहाँ पर ये ब्लैक हो जाएगा जिस भी पार्टीशन को आपने डिलीट करा है एंड यहाँ पर लिखा आएगा अनएलोकेटेड। उसके बाद आपको अपने मेन पार्टीशन के ऊपर चलना है जिसके अंदर आप अपने वॉल्यूम को एक्सटेंड करना चाहते हो, यानी कि जिस भी पार्टीशन के अंदर आप अपने डिलीटेड पार्टीशन का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो आपको उस पार्टीशन के ऊपर चलना है, माउस को क्लिक करना है। उसके बाद माउस को राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेन्यू के अंदर एक्सटेंड वॉल्यूम, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा जो भी पार्टीशन आपने डिलीट करा होगा उसका साइज। उसके बाद बस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो भी यहाँ पर आपका अनएलोकेटेड पार्टीशन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ पर आपके मेन पार्टीशन के अंदर मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर अब आप मेरे मेन पार्टीशन का साइज देख सकते हो, 929.64 GB हो चुका है, जो कि पहले कुछ और साइज था, यानी कि इससे कम था। मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी दिखा देता हूँ अपने मेन पार्टीशन का साइज एंड उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मेरा जो पार्टीशन है वो डिलीट हुआ है या फिर नहीं। तो गाइस, यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर मेरे मेन पार्टीशन का साइज इंक्रीज हो चुका है एंड यहाँ पर एक जो अलग पार्टीशन बना हुआ था वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है।
तो गाइस इस तरीके से आप किसी भी विंडो के अंदर किसी भी पार्टीशन को डिलीट कर सकते हो एंड मर्ज कर सकते हो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। प्लीज मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड आपके वीडियो कितना ज्यादा कम है। एंड गाइस अगर आप इसी तरीके की कंटेंट में इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड है, कंप्यूटर फील्ड में कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दो।